क्या आप भी ये कभी सोचते हैं कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, जो कि साउथ मूवी आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बड़े बड़े स्टार को हम देखते हैं कि उनकी मूवीज हिंदी डब इंग्लिश की जा रही है, उनको जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि साउथ इंडियन जो लैंग्वेज है उसका एक शब्द हमें समझ में नहीं आता भाई, उसका व्याकरण, उसका शब्दावली, उसकी जो भाषा है वो हमें क्यों समझ में नहीं आती। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और ये जो चारों भाषा है, जो प्रमुख चार राज्य जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और इस साइड जो बोली जाती है दक्षिण भारत में, ये हमें क्यों समझ में नहीं आती। कर्नाटक साइड जो बोली जाती है, ये आखिर हमसे अलग क्यों है, हम इस चीज़ को क्यों समझ नहीं पाते, ये लोग हमसे अलग आदमी अलग टाइप के क्यों लगते हैं। तो आइए इसके पीछे जानते हैं कि इतिहास इसके पीछे क्या जवाब देते हैं हमें, क्योंकि हर चीज़ का ऐतिहासिक कारण एक न एक होता ही है, अपने आप कोई चीज़ नहीं होती, समय अंतराल में जो ढलते ढलते ये चीज़ें होती है। तो चलिए पीछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे लिए वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में सबसे पुराना प्राचीन भाषा कौन है, ये तो आप सभी जानते हैं कि संस्कृत जो सबसे प्राचीनतम भाषा, इसी से जो है सभी भाषाओं का, सभी प्रकार की जो लिपि है उसका उत्पत्ति इसी से होता है। तमिल भाषा, संस्कृत भाषा के बीच में बहुत ज़्यादा बात होती रही है कि तमिल भाषा पुरानी है, संस्कृत भाषा पुरानी है, लेकिन इस चीज़ से यह सिद्ध हो जाता है कि सबसे बड़े तमिल साम्राज्य के जो धर्मध्वज रक्षक थे, जो सबसे बड़े साम्राज्य थे, चोल साम्राज्य, जो कि 1500 सालों तक शासन किया, वो भी जो है संस्कृत भाषा को ही जो है पूजा पाठ में, फिर महत्व जो है यज्ञ पवित्र वाले में, मतलब बड़े बड़े अनुष्ठानों में, अर्थात संस्कृत भाषा को वो भी महत्व देते थे। अर्थात जगत गुरु आदि शंकराचार्य के समय से ले लो या फिर महात्मा गौतम बुद्ध के समय से ले लो, संस्कृत भाषा जो थी सनातन को जोड़े रखने के लिए एक बहुत बड़ा साधन प्राप्त होती थी। इसी प्रकार से जो वैदिक भाषा संस्कृत है, हमारे सनातन की सबसे प्राचीन भाषा सैनिक संस्कृत है और विश्व की पूरे धरा को जोड़ने वाली एक भाषा थी संस्कृत। तो इस प्रकार संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा थी और ये जो है भारत के लिए सबसे मूल होता था, अर्थात आपका जो है पूरे भारतवर्ष में जो सभी की अलग मान्यता है, अलग परंपरा, अलग रीति रिवाज, भले हो वेशभूषा अलग हो, दिखने में अलग हो, मिष्ठान उनके भोजन अलग अलग हो, लेकिन संस्कृत एक कड़ा था जोड़ने के लिए अखंड भारत को। और जब तक विधर्मियों का आक्रांताओं का जो है आक्रमण नहीं होता, टर्क इन्वेडर्स का जो है आक्रमण भारत पे नहीं हुआ था विधर्मियों का, तब तक जो है संस्कृत जो है अखंड भारत को जोड़ने के लिए सबसे बड़ा जो है ये माध्यम थी। इसीलिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने चार दिशाओं में अलग अलग वेदों की स्थापित किया और सभी वेद क्योंकि संस्कृत में लिखे गए थे, इसीलिए जो है अलग अलग भाषाओं के लोगों को संस्कृत सीखना अति आवश्यक होता था। इसीलिए आपने देखा होगा कि संस्कृत भाषा के बहुत ज़्यादा जो सिमिलैरिटी आपको साउथ इंडियन भाषा में देखने को मिलता है, जबकि थ्री डेज में क्या दिखाया जाता है, चतुर लाम लिंगम जो होते हैं वो जो संस्कृत को पढ़ नहीं पाते, जबकि साउथ इंडियन सच में ज़्यादा हम लोग से संस्कृत में एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि उनका जो लिपि है, उनका जो भाषा है, उनके जो शब्द है होते हैं वो संस्कृत से ज़्यादा मैच करते हैं, जबकि हमारे जो शब्द होते हैं जो आज के हिंदी, जो सो कॉल्ड हिंदी बोलते हैं, वो उर्दू, फारसी और जो तुर्की भाषा है, अरबी भाषा है, इससे ज़्यादा हम लोग का जो हिंदी जो है मिश्रित हो चुका है। अर्थात हमारा जो हिंदी है अब वो जो उर्दू साइड ज़्यादा जा चुका है और उन लोग का, जबकि संस्कृत के साइड जो है तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, इन सब भाषाओं का जो है मिश्रित जो है संस्कृत से उत्पत्ति हुई, इसलिए उन लोग का सिमिलैरिटी जो है संस्कृत से ज़्यादा होता है। तो अर्थात इसीलिए कहा जाता है कि दक्षिण भारतीय व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा संस्कृत को हमसे अच्छे समझते हैं और अच्छे से बोल भी पाते हैं। तो संस्कृत जो है हमारे सनातन धर्म के लिए अखंड भारत के जो है कनेक्शन का माध्यम का कार्य करता था, एकता रखने का कार्य करता था, यूनिटी देता था। तो ये तो था संस्कृत का इतिहास। तो चोल राजाओं द्वारा भी संस्कृत का इतना ज़्यादा प्रयोग किया गया था, इसलिए संस्कृत को मान्यता दी गई थी। जब बात आती है हिंदी की, तो आज जो सो कॉल्ड हम हिंदी बोलते हैं, जब तुर्क इन्वेडर्स आए यहाँ पे, टर्क इन्वेडर्स जो है भारत पर आक्रमण करते हैं, तब भारत की गुरुकुल सभ्यता इन सभी में तो फर्क पड़ा। भारत में जो है अरबी, तुर्क, फारसी और ये जो बड़ी बड़ी धरती पे थोप दिया गया, इसीलिए जो है हमारी जो प्राकृतिक जो संस्कृत भाषा थी वो जो है कुछ अस्त व्यस्त होकर जो उसमें हिंदी में परिवर्तित हो गया और शुद्ध हिंदी का जो रूप होता था वो भी जो उसमें मिश्रित होकर जो संस्कृत को जो है छोड़ के जो है हिंदी जो कि शुद्ध हिंदी होता है वो भी संस्कृत से बना था, उसमें भी जो हिंदी में जो है ये तुर्की भाषा है, अरबी भाषा है, फारसी भाषा है, ये सभी मिलके जो है उर्दू भाषा है, सभी मिलके जो है एक हिंदी को जो है एक अलग टाइप की भाषा बना दिया, जिसको हम आज यूजुअली जो है नेचुरली जो आजकल हम ज़्यादातर जो प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो शुद्ध हिंदी का रूप अब नष्ट हो चुका है। जो बॉलीवुड में आप डायलॉग सुनते हैं वो सब उर्दू से लिखे जाते हैं, उर्दू का वर्ड ज़्यादा होता है हिंदी के नाम पर। इस प्रकार से जो है संस्कृत भाषा को जो है इन्वेडर्स द्वारा जो है हम पे जो है, क्योंकि वो उर्दू उसको थोपा गया फारसी भाषा को ज़्यादातर हमारे ऊपर, इसलिए जो संस्कृत भाषा से जो है लगाव जो है जनता का टूटता गया। और खासकर जब अंग्रेजों के जब एरा आया, जब अंग्रेजों ने भारत को जो गुलाम बना लिया, तब उन्होंने तो भारत के संस्कृत को, भारत के गुरुकुल परंपरा को अस्त व्यस्त, नष्ट, ध्वस्त करके रख दिया। इस प्रकार से जो संस्कृत एकदम से पतन होने लगा, इसीलिए तो जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को जो है रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में की गई, क्योंकि संस्कृत को समझने वाले बहुत कम बचे थे। और
और असली वैदिक संस्कृत की बात करें तो वो तो इतना कठिन होता है कि उसको बहुत कम ही लोग पढ़ पाते हैं। इसलिए तो जो है हमारे शास्त्रों का बहुत बड़े बड़े जो पुराने लिपि होते थे, अशोक की लिपि होती है, स्तंभ जो मिले उसका अनुवाद जो है बहुत मुश्किल से किया जा सका, क्योंकि असली से जो विद्वान थे, जो असली विद्वान की जो कला थी भारतीय संस्कृत, उनको तो जो विदेशी आक्रांता पहले ही नष्ट ध्वस्त कर चुके थे। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, बड़े बड़े हमारे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विद्यालय होते थे, जो बड़े बड़े जो हमारे विश्वविद्यालय होते उनको जो नष्ट ध्वस्त कर दिया गया था, हमारे सनातन के बड़ी बड़ी किताबों को जला दिया गया था। और लोग कहते हैं कि भारतीय अपना इतिहास लिखते नहीं, ये तो जो है ओरल मुख से जो है अपना जो इतिहास ट्रांसफर करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। तो संस्कृत हमारे लिए जो है एक कनेक्शन का कार्य करती थी, और यही कारण है कि विदेशी आक्रांताओं का जब आक्रमण होता है अंग्रेजों ने, तो उसको और भी बढ़ाते हुए संस्कृत को जो है बैन तक कर दिया। एक तरह से सोचोगे तो गुरु शिष्य परंपरा को, गुरुकुलों को नष्ट कर दिया, अंग्रेजी शिक्षा को, मैं कह लूँ घटिया शिक्षा पद्धति को थोप दिया जाता है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू करके 1835 में विलियम बेंटिक के द्वारा, और मैकॉले की घटिया शिक्षा पद्धति को हमारे ऊपर थोप जाता है, जिन्हें हम जो है लॉर्ड बोलते हैं, लॉर्ड मैकॉले बोलते हैं। तो इस एजुकेशन एक्ट को आज तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, तो अब आप समझ गए होंगे क्योंकि संस्कृत जो है जो साउथ इंडियन भाषा से जो है ज़्यादा सिमिलैरिटी रखती है, इसलिए जो है वो लोग जो है संस्कृत अच्छे से पढ़ पाते हैं, जबकि हम नहीं पढ़ पाते। हम हिंदी जो बोलते हैं वो भी सो कॉल्ड हिंदी जो बोलते हैं वो उर्दू और फारसी के वर्ड से मिक्स होता है, इसलिए हम जो इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं, हिंदी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय जो भाषा होती है वो तो हमें अलग दुनिया की लगती है, क्योंकि जो संस्कृत जो कनेक्शन का जो कार्य करती थी, जो दोनों भाषाओं के बीच में जो दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व पश्चिम सभी प्रकार के जो हमारी संस्कृति का मिश्रण है उसमें जो है एकता लाने का जो कार्य करती है संस्कृत, उसको जो नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। इसी कारण से जो है हमारा जो सामाजिक और जो आर्थिक और हर प्रकार से जो है भारत का पतन होना चालू हुआ, इसके कारण से हम गुलाम भी बन गए। समझ गए हम संस्कृत का हमारे सनातन में, हमारे इतिहास में कितना महत्व रहा है। और यही बात है कि आपने कई सारे जो शब्द देखे होंगे जो तेलुगु में, तमिल में, जो कि संस्कृत से मैच करते हैं, जैसे कि एक शब्द आता है अमृत, उसको हम लोग अमृत बोलते हैं, उसको जो है अमृतम बोला जाता है, और वैसे ही जो है अमृतम बोला जाता है तेलुगु तमिल किसी भाषा में ले लो, तो प्रकार से बड़े बड़े शब्दों को जो है उस प्रकार से संस्कृत और तमिल और तेलुगु में आप बहुत सारे सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी कारण से जो है संस्कृत उन लोगों के लिए पढ़ना आसान हो गया, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज है वो संस्कृत सिमिलर ज़्यादा रहता है, और हम लोग को जो है अलग ही लगते हैं नॉर्थ इंडिया साइड वाले, इसीलिए जो है तेलुगु तमिल और बाकी जो दक्षिण भारतीय भाषा उसको कम समझ पाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार संस्कृत का कनेक्शन जो है हमारे सनातन में रहा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी देखने को मिलता है जब भारत आज़ाद होता है, कहा जाता है आज़ाद हुआ, लेकिन वो तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। तो 1947 जब भारत आज़ाद होता है तब राष्ट्रभाषा बनाने की बात आती है हिंदी को, तो इसका जो दक्षिण भारत के बड़े बड़े भाषाओं के भाषाई क्षेत्रों में जो कि बड़े थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जितने भी कर्नाटक थे, इन सभी के द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता कि हिंदी जो अभी अभी आई हुई भाषा, इसको तुम राष्ट्रभाषा कैसे घोषित कर सकते, हमारे ऊपर क्यों थोपा जाता है। अभी भी जो है तमिलनाडु में आर्यन द्रविड़ियन पॉलिटिक्स का गेम खेलने वाले लोग जो है हिंदी का जो है विरोध करते हैं। हमें कोई मतलब नहीं इससे कि किसका क्या विरोध किया जाए, और ये ऑफिशियल अभी भी तक नहीं हुआ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन इसका विरोध किया गया। इस पर B.R. अंबेडकर कहते हैं कि अगर संस्कृत को जो है राष्ट्रभाषा बनाने की बात की जाती, इस पर जो विरोध देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमारी प्राचीनतम भाषा है, वो हमारी आधारशिला है, सनातन संस्कृति का जड़ जो है संस्कृत से ही निकला हुआ है, संस्कृत से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात आती तो कोई इसका विरोध नहीं करता, लेकिन सो कॉल्ड हमारे चाचा नेहरू जो है इससे जो है सहमति नहीं देने वाले थे। उन्होंने तो जो है हिंदी को ही जो है उर्दू मिक्स, फारसी मिक्स, हिंदी को ही तो जो राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, लेकिन आज तक वो घोषित नहीं हो पाए। भले हम बोलते हैं हमारी राष्ट्रभाषा क्या है हिंदी, लेकिन वो ऑफिशियल कहीं भी लिखा नहीं हुआ, जैसे कि हम बोलते हैं राष्ट्रपिता कौन है ये है, लेकिन वो ऑफिशियल कहीं भी लिखा नहीं है। तो संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज इसीलिए नहीं बोला जाता, क्योंकि इससे जो है आगे चल के जो है भविष्य में जो कंप्यूटर लैंग्वेज भी आने वाले उसको भी जो है संस्कृत ही जोड़ के देखा जाने लगा है, क्योंकि संस्कृत में आप आगे पीछे किसी तरह से कोई भी सेंटेंस को पढ़ो मतलब एक ही निकलता है, अर्थात अपने आप में संपूर्ण है संस्कृत। उसको किसी प्रकार से पढ़ा जाए, किसी प्रकार से उसको समझा जाए, उसको जो है आप अर्थ निरर्थक नहीं निकला जाता। इसी प्रकार संस्कृत जो अपने आप में संपूर्ण भाषा है, उसका जो ग्रामर है, उसका जो हर प्रकार से जो है वो संपूर्ण भाषा है, ना कि इंग्लिश की तरह टूटा फूटा लैंग्वेज। तो अब आप समझ गए होंगे कि संस्कृत का महत्व किस प्रकार से सनातन धर्म को एक करने में, सभी प्रकार के भाषाओं का, सभी प्रकार के हमारे सनातन धर्म के जो रीति रिवाज, सभी प्रकार के जो कल्चर थे, परंपरा थी, उनमें एकता लाने के लिए संस्कृत का कैसे योगदान था, कैसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो आप समझ गए होंगे। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, जो बताएगा जय श्री राम।